सर प्लीज बिलीव मी इमरजेंसी है, पूरे भारत नगर में लैंडमाइंस बिछे हैं, सबको एयरलिफ्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। बात समझने की कोशिश करो बेटा, मैं इस हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ, ओनर नहीं। बिना पेमेंट के कंपनी परमिशन नहीं देगी बेटा। सर लेकिन बुकिंग तो ऑलरेडी हो चुका है ना, और फिकर नॉट, आपकी कंपनी की पेमेंट भी हो जाएगी। आई नो, बट बिना पेमेंट के बुकिंग का कोई फायदा नहीं। सर आपके लिए आपकी पेमेंट ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों की जान? अगर किसी की जान चली गई तो आप उसकी जिंदगी वापस थोड़ी लौटा पाएंगे। ओके दैट्स फाइन, मगर हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए परमिशन चाहिए और मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। बालवीर्स की पावर तो चली गई लेकिन बल नहीं गया, बिना पावर्स के क्या कर लोगे बालवीर्स? आई थिंक आप सबको आर्मी का वेट करना चाहिए। लेकिन सर हमारे पास उतना टाइम नहीं है। सर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर माइंस पे खड़े हैं, इस बार पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए हमारी मदद कर लीजिए प्लीज। और अगर आपको पेमेंट की इतनी जरूरत है तो फिर ग्रैंड कॉलेज मुंबई आपकी पूरी पेमेंट करेगा, आई प्रॉमिस। सब प्लीज, आप तो हमारे साथ सबको सेव करने चलिए प्लीज। ओके आई नो कि मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, मगर बात बच्चों की है इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए ये दोनों बेवकूफ आप सबको एयरलिफ्ट करेंगे हेलीकॉप्टर से। हे भगवान, मेरे विवान और देवू की रक्षा करना। मामा बहुत जोर से वॉशरूम आ रही है। क्या करवाया? सॉरी भैया, मुझे डर के मारे और जोर की भूख लग रही है। करुणा जी, बच्चे तो सच में बहुत डर गए हैं। हाँ बच्चों की हालत देखकर तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। माना कि बालवीर और मेरी पावर्स जा चुके हैं, बट दिमाग मुझ में उनसे कहीं ज्यादा है। भैया ये आग कैसे लग गई? पता नहीं विमान, अब हम हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास समय भी बहुत कम है। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। मुझे लगता है फ्यूल लीक हो गया है। Oh no. लगता है अब हम ये हेलीकॉप्टर यहां से ले जा ही नहीं पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है। नहीं रे, ये आग हमें नहीं रोक पाएगी, हमें किसी भी हाल में इस हेलीकॉप्टर को यहां से ले जाना ही होगा। यस भैया, फाइटर तो बहुत बार बने लेकिन आज फायर फाइटर बनेंगे। यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर तो होगा ही ना? पैर बहुत दुख रहे मोंटू भैया। मोंटू हां एक बात बता। हाँ कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ भैया पीऊंगा ना, है ना? हाँ गर्मी भी बहुत है। एक काम कर, जा तू कोल्ड ड्रिंक पी क्या, और मेरे लिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक लाना। हाँ मैं घर से लेके आया। अरे क्या कर रहे हो? अरे चिंटू कोल्ड ड्रिंक पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना देखो। अरे मोंटू भैया ये तो आपने बोला ना,
ओह गॉड, टेंशन के मारे तो मुझे भी प्यास लग रही है। बच्चों, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। इसलिए हमें भी खुद कुछ करना पड़ेगा। जरा जाके अंदर से पानी लेकर आ। ओके आंटी। क्या कर रही हो अनन्या? तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे खुशी खड़ी है, उसे बोला है। हाँ आंटी, सॉरी आंटी। फायर एक्सटिंग्विशर इनफ है इस आग को बुझाने के लिए? पता नहीं। रीजन जो भी हो, हमें यह आग बुझाने की कोशिश नहीं छोड़नी होगी भैया। कर लो जितना ट्राई करना है, ये फायर बुझेगी नहीं बालवीर से, पर तुम्हारा प्लान जलकर राख हो जाएगा। रॉय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। ये आग तो बुझ ही नहीं रही है। शायद आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर काफी नहीं है। तो इसका मतलब हमें कुछ ज्यादा फोर्स वाला चाहिए इस आग को बुझाने के लिए। राइट विवान। कहूं तभी खोल देना। ओके। चालू करो। इस वाहन को मैं उड़ने नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। अनन्या दीदी, ये लीजिए। खुशी पानी लेके ये मुंड भैया। अरे अनन्या दी, हम भी पानी दो ना। हाँ
हाँ ठीक है, मैं बॉटल पास करती हूँ, लेकिन कैच मत छोड़ना। ध्यान रखना कि नीचे लैंडमाइन है, अगर कैच मिस हुआ तो। तो ऐसे हो जाएगा, कैच छूटने पर विकेट बच नहीं रही है, विकेट गिर रही है। ध्यान से पकड़ना मोंटू भैया। गुड। यार पानी तो पी लिया पर अब खड़ा नहीं रह जा रहा। हाँ मुझसे भी। फिर तू मेरे भी दुख रहे, लगता है थोड़ी देर में मैं भी गिर जाऊंगा। मम्मी We shall overcome someday. Oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. आग बुझ गई। चलिए पायलट सर। पायलट सर अब अभी तो यहीं पे थे। पायलट सर कहाँ गए? सर पायलट सर 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 नीचे इलेक्ट्रिक वायर्स खुले पड़े हैं और जमीन पे पानी भी है। इन्हें लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लगा। बिजली का करंट मैंने भले ही पायलट को लगाया है पर झटका तुम्हें लगा होगा बालवीरो। ओह नो, अब बिना पायलट सर के हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई होगा और हम सबको कैसे सेव करेंगे? एक मिनट, हेलो हेलो, यस सर यस सर यस सर। ओ थैंक यू सर। गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अरे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, गुड न्यूज़ है। रुको रुको, गुड न्यूज़ पहले पता तो चलने दो। गुड न्यूज़ क्या है?
अरे गिर पड़े, तू मनी मन मुस्कुराता रहेगा या बताएगा भी गुड न्यूज क्या है? हाँ, बताता हूँ दादाजी। जल्दी मिलिट्री के आने की परमिशन मिल गई है और जल्दी हेलीकॉप्टर आने वाला है। अब ताली बजा। तब तक किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो तो मत मांगना। मतलब लैंडमाइंस पीछे ना, हम लोग अंदर आ नहीं सकते, इसलिए जैन जैन। पायलट सर की धड़कनों को वापस चालू करने का एक ही रास्ता है। नहीं, अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो हम आपको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। अरे हमारे पास हॉस्पिटल जाने का समय नहीं है, हमें भारत नगर जाना ही होगा। अरे देबू कैसी सेल्फिश बात कर रहे हो तुम। लेकिन रेप, देखिए मैं यहाँ अकेला खतरे में हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलो। थैंक यू सर। सर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको खुश नहीं होने दूंगा। चलिए। थैंक यू। आराम से। चलो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। आई मीन तुम लोग जाओ, तब तक मैं यहाँ पर ऑफिशियल प्रोसीजर पूरे करता हूँ बाकी के। ठीक है रे, इस मुश्किल समय में हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। अरे इट्स ओके, जाओ तुम लोग। चलो। इससे पहले कि इन दोनों को इनकी मैजिकल पावर्स मिले, I need to be ready with my final attack. Cry or pray, नहीं छोड़ेगा रे। चलिए सर, आज हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है और इस टेस्ट में पास होने के लिए हमें 100 out of 100 ही चाहिए। यस, जल्दी चलिए। भारत नगर का रास्ता बताता हूं, चलिए जल्दी। उदय,
देखो आ गया भारत नगर। भैया वो रहे सब नीचे। भगवान उन दोनों की रक्षा करना।